स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट पूर्व सदस्य विधान परिषद की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागेंद्र नाथ सिंह स्मृति व्याख्यान एवं विभिन्न विभूतियों के सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को गोरखपुर क्लब के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही, विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एस पी सिंह तथा मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बलराम सिंह ने किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात आयोजकों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित कर चुके विभूतियों को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेती से ही आ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव विषय पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए तथा कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तभी बदल सकती है जब किसानों की अर्थव्यवस्था बदला जाए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों पर तो ध्यान दे रही है लेकिन किसानों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर उन्हें कई तकनीकी और शिक्षा दी जाए तो निश्चित ही खेती में बदलाव आ सकता है और उसी के साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव लाया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन पर स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह के पुत्र राजेश सिंह एवं अजय सिंह ने लोगों का आभार व्यक्त किया। हम करते हैं कि श्रृंखला कुछ ऐसी बनी कि उस पर हम लोग करते रहते हैं। आज सौभाग्य है कि इस मंच पर बहुत ही दिखेगा। आज हम उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसकी स्मृति में आज का ये आयोजन है। मैं चर्चा कर रहा था कि एक अद्भुत सोच के साथ आयोजित किया जाता है जहाँ पर लोग विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं वह अपनी बात हम सबके बीच रखते हैं और हम उस व्यक्तित्व की याद में इस आयोजन को इस व्याख्यान माला को करते हैं। तो निश्चित तौर से हमें लगता है कि हम जब किसी खास आदमी को याद करें जिसने इस देश और समाज के लिए बड़े काम किए हैं तो देश और समाज की ज़रूरतें क्या है उस पर भी हम कम से कम खुलकर विचार कर पाएंगे, कैसे उस पर हम अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। और ये विचार आते हैं, विचार हम सुनते हैं और कभी कभी लगता है कि बहुत ही कारगर होते हैं वो विचार। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं कई बार इस आयोजन में शामिल हुआ हूँ और ऐसे आयोजन में हमने देखा है कि जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे क्षेत्र में बहुत ही सामान्य रूप से जानी जाती हैं, हजारों की संख्या में लोग इसमें अपनी जान गंवाते हैं। जिसके विषय में या जिसकी पुण्यतिथि है उसको याद करने का एक तरीका बन गया कि हम सब बैठकर कम से कम एक दिन देश समाज और काल पर भी चिंतन करें। और पिछले कई वर्षों से लगातार एक व्याख्यान माला इस श्रृंखला तैयार हो गई। लगातार उस श्रृंखला में हम लोग कुछ विद्वानों को सुनते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में जानते हैं, देश के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं, कैसे देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, सामाजिक क्षमताएँ, शोध या और क्षेत्रों में जो हमारी आज की समस्याएं हैं देश की, क्षेत्र की, प्रदेश की, वो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। हमेशा विचार आते हैं, उसकी चर्चा होती है, चिंतन होता है और सब हम यहाँ से सुनते हैं। साथ ही साथ एक और जो श्रृंखला में एक जुड़ाव है उनका वो ये कि हम कुछ ऐसे लोगों का चयन भी करें जो समाज में कुछ अलग ढंग से काम कर रहे हैं और वो क्षेत्र चाहे वो समाज का हो, सामाजिक कार्यों का हो, समाज सेवा का हो, पत्रकारिता का हो या राजनीति का हो, ऐसे लोगों को भी मंच पे लाकर उनका परिचय तो कहना उचित नहीं होगा, उनको सम्मान मिलेगा। आमना सामना हुआ तो लगा कि लोग कैसे हैं,
जो अपना सब कुछ छोड़कर एक काम को सिर्फ ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, आप बहुत जगह ऐसे शुक्र हैं, उसके माध्यम से भी आपने बहुत सारे काम का आपको अनुभव है। और वो आपसे यहाँ पूरी बात नहीं कहूँगा, मैं ढूंढ नहीं होती है, बहुत ढेर सारे वो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और उनके मन में कुछ घूम रहा होगा, उस बदलाव के साथ वो खेती के बदलाव को जोड़ के कहते हैं कि कहीं देश का विकास बेहतर हो पाएगा। कर रहा हूँ तालियों से एक बार उनका स्वागत हो, क्योंकि आज धन्यवाद मुमताज जी, सभा के अध्यक्ष बगान जी, वाइस चांसलर एस पी सिंह साहब और भाई और बहनों की यादाश्त या उनके काम और देखना कि वो कहाँ तक हमारे को है, कि जिनका समाज में शिक्षा में वो विस्तार से देखें तो उनका योगदान इतना था कि मुझे लगता अपना सिर नमन करते हैं और वो यही बदलाव की बात करते हैं। पहले मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस थी एन एस स्वामीनाथन फाउंडेशन के लिए, गवर्नमेंट एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में यानी साल 2015 तक जो आज हम देख रहे हैं खेती का संकट देश में देख रहे हैं, शहरी को जब उधर अखबार खाते हैं कि उसमें आत्महत्याओं का मेंशन नहीं होता कि आज 2-3-4 आपके हल्के में आपके इलाके में आत्महत्या हुई है, ये कोई इसलिए नहीं हो रही है कि आप समझे कि भाई खेती का या खेती एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं बचा, वो आप भया की झूठ है उसको ठीक की झूठ, ऐसा नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब काम हो रहा है। मेरे प्रयास रहेगा अगले 30-35 मिनट में 40 मिनट में मैं आपके समक्ष ये बात स्पष्ट कर सकूं कैसे लोग प्रेरित कर रहे हैं। उससे कुछ साल पहले 1996 से पहले की बात करता हूं, 1983 के आसपास मुझे याद है 1983 में नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए पोलैंड की एक शख्सियत थी वलेसा साहब, वलेसा साहब बाद में राष्ट्रपति के लिए पोलैंड थे, तो जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो उस समय मुझे याद है रोमन बोरलॉग जिनको नोबेल प्राइज मिला था एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट के पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, बेसिकली जो हरित क्रांति दुनिया में आई है, तो रोमन बोरलॉग और मैं इकट्ठे थे हम पटनगर यूनिवर्सिटी में आए दो आयोग में। मेरा यह सौभाग्य था कि जब भी वो भारत में आते थे क्योंकि मैं इंडियन एक्सप्रेस का एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट था तो मुझे उनके साथ समय बिताना होता था, तो बहुत सौभाग्य था मेरा कि उनके नजदीक से जानने का समय भी मुझे मौका मिला। मैंने उनसे पूछा मैंने डॉक्टर बोरलॉग आपका क्या ख्याल है कि जो नोबेल प्राइज मिला है पीस का शांति का जो पुरस्कार मिला है वलेसा साहब, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ देवेंद्र तुमने ये सवाल पूछा मेरे से, क्योंकि नोबेल कमेटी ने छोटी सी कमेटी बनाई तो जाके देखिए पोलैंड में जाइए, पोलैंड के नेता थे वो सॉलिडैरिटी वर्कर सॉलिडैरिटी मूवमेंट के नेता थे, उसको लीड कर रहे थे और उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो जाके देखिए उनको कमेटी को बोला गया और देखिए कि नोबेल प्राइज डिजर्व करते हैं वलेसा साहब के कि नहीं करते। वर्मा को बताते हैं कि आगे उन्होंने उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, आगे उन्होंने रिपोर्ट दी कि वलेसा डज नॉट डिजर्व ए नोबेल प्राइज, कि वलेसा साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए और उनको नोबेल प्राइज मिला। तो मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात थी जब आप वहां गए कि आपको लगा कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए और दुनिया ने उनको नोबेल प्राइज दिया। उन्होंने कहा जब मैं वहां गया तो मैंने ये पाया कि एक्चुअली वर्कर्स सॉलिडेरिटी मूवमेंट जो है वो सस्ता अनाज के लिए लड़ रही थी कि वर्कर्स को सस्ता अनाज उपलब्ध हो, लेकिन इस प्रोसेस में हम यह भूल जाते हैं कि जो सस्ता अनाज पैदा करेगा उसका क्या फल होगा। आपने सस्ता अनाज वर्कर्स को दे दिया, सबको दे दिया, लेकिन जब जो जो अनाज जो पैदा करता है उसको अगर कोई सस्ते में सस्ता ही देना है तो उसके परिवार का क्या होगा, उन लाखों लोगों का क्या होगा। इसीलिए ने कहा कि वलेसा रिजर्व नहीं करते नोबेल प्राइज क्योंकि वो एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ जला रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया की सोच जो है वो इस तरीके से है कि फूड जो है वो सस्ता होना चाहिए, फूड का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो जो बात बॉर्नॉग ने उस जमाने में कही थी, हमारे देश की नीतियां अगर आप देखते हैं बल्कि दुनिया की नीतियां देखते हैं तो फूड को प्राइसेस को नीचे रखना है, आपको कम रखना है। जैसे ही टमाटर का भाव बढ़ता है, आलू का बढ़ता है, आप देखते हैं हल्ला मच जाता है देश के अंदर और यहाँ पर प्याज के ऊपर सरकार की भी गई। तो कहने का मतलब है कि
क्राइसिस को कंट्रोल में रखना है। इसका मतलब ये हुआ बाकी जो हमारे सब सोसाइटी के सेक्शंस हैं उनको तो नियमित रूप से वेतन में और इनकम में तो बढ़ोतरी होती है। एक किसान है जिसको कि जबरन हमने उस लेवल पर रखा हुआ है जो कि एक मतलब जिसको कहते हैं पेनालाइज किया जा रहा है। किसान को तो एक दोष दिया जा रहा है कि तुम फूड प्रोड्यूस कर रहे हो इसलिए तुम्हें कम गरीब ही रहना है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और आपने देखा है आज जिस मार्केट रिफॉर्म्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं वो भी कलेप्स कर जाएंगे अगर हमने फूड प्राइसेस को बढ़ने दिया। फूड प्राइसेस को नीचे रखना ये हमारी इकोनॉमिक नीति का फंडामेंटल जो है बेस है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो आज के हालात में जब हम ये चर्चा को समझते हैं तो अक्सर ये पूछा जाता है डबलिंग फादर्स इनकम तो हो ही रही है आपने सुना नहीं है देख रहे होंगे। लेकिन पहली बात तो ये जाननी जो है कि किसान की इनकम कितनी है ये तो हम जानते हैं। क्या कारण है कि किसान डाला है किसान की जैसे छवि हमारे दिमाग में आती है तो धोती कुर्ता गंदी सी धोती होगी जूते उसके मिट्टी वाले होंगे ये हमारी इमेजिनेशन से आता है। कभी किसान के अगर आपने कभी देख लिया स्कूटर पे चढ़ा हो तो आपको लगता है अरे ये किसान इस स्कूटर पे कैसे आया ये हमारी मानसिकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्लास तो है ये डिजर्व करती है इसको किसी कदम में रहना। अब देखिए जब ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका जो ये नहीं कि आपको और मुझे नहीं समझ आता मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह में जाता हूँ वहां पर दोष सारा किसान के ऊपर पड़ते जाते हैं। सर ये किसान है इसको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती इसमें स्किल नहीं है कोई भी देखिए कोई दोष होगा तो किसान को नहीं दिया जाता है और ऐसे लगता है कि वाकई हमारे देश का किसान जो है वो निकम्मा बेवकूफ है उसको खेती नहीं करनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसान भी उतना ही मेहनती है जितना कि बाकी समाज है वो भी पूरी अपनी शक्ति उसमें लगाता है काम में लेकिन उसको जो न्याय मिलना चाहिए इनकम के हिसाब से वो हम उसको वंचित रखते हैं उसको हम नहीं देते हैं। और मानता हूं कि आज नागेंद्र नाथ सिंह जी अगर होते हमारे बीच में तो उस न्याय के लिए ये भी सबसे ज्यादा अग्रणी होते उस न्याय के लड़ते हैं। और ये भी हमारे देश में ये जो सोच आगे रहता है राजेश सिंह जी की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं वो यही सोच है कि न्याय जो है सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है। सबका विकास कैसे होगा ये जो इकोनॉमिक मॉडल दुनिया में खींचा गया है ट्रिकल डाउन वाला कि ऊपर वाले की इनकम होगी तो नीचे वाले को फायदा होगा ये फेल हो चुका है इसका कोई मतलब नहीं है उसको बदलने के लिए। और ये जब तक हम नहीं करेंगे खेती का उत्थान नहीं हो सकता जितनी मर्जी हम टेक्नोलॉजी दें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप जानते बजट से पहले आता है किसान की जो एवरेज इनकम है हिसाब से इकोनॉमिक्स जो इनकम है किसान परिवार की आगे की बात हो रही है। जब एक गाय का आपने पालन करना हो तो 1700 रुपए में आप गाय भी पाल सकते हैं और आप एक परिवार को 1700 रुपए में पाल रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि किसान की इनकम हम डबल कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम अगर 1700 से दुगनी भी हो जाती है 3000 भी उसकी इनकम हो जाती है 4000 भी हो जाती है तो आपने क्या किया वो तो वैसे ही 5 साल के अंदर इन्फ्लेशन के वो बढ़ जाएगी मतलब वैसे बढ़ जाएगा। लेकिन जो एक खाका खींचाएगा आपको लगता है कि हम बहुत किसान की सेवा में हाजिर हो गए हैं और देश लगता है कि कर रहा है क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हम सोचें इसको मैं थोड़ा सा आगे भी देखने की कोशिश की। मैंने एक आकलन किया कि किसान को इनकम कैसे गरीबी में गरीबी में रखा गया किसान को उसको इनकम से कैसे डिप्राइव किया है उसको वंचित किया गया। जब हरित क्रांति शुरू हुई तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है किसान को वो एक इंडिकेशन देता है कि आपको कि किसान की जो इनकम है क्रॉस इनकम जो है वो कितनी बड़ी है। 1970 में जब हरित क्रांति शुरुआत ही होती थी फॉर्मेटिव ईयर्स थे तो गेहूं का दाम 76 रुपये प्रति क्विंटल था और धान का दाम 51 रुपये प्रति क्विंटल। 45 साल बाद 2015 में मैंने एक आंकलन किया और देखा कि गेहूं का दाम बढ़कर 1450 रुपये प्रति क्विंटल हो गया 2015 में। यानी ये 45 साल के पीरियड में गेहूं का जो दाम बढ़ा है एमएसपी वो 19 गुना बढ़ता है। और 1970 में जब किसान का गेहूं का दाम 76 रुपये प्रति क्विंटल था तो जो स्कूल टीचर थे उस टाइम पर उनकी तनख्वाह 90 रुपये से कम थी और जब अगले साल 100 रुपये हुई 1971 में उनकी सैलरी तो उन्होंने दिवाली मनाई और उसने किसान की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था वो 76 रुपये। लेकिन देखिए अगले 45 साल में सब कुछ बदल गया
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 120 से 150 गुना बढ़ती है उसी फीवर। जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनकी इनकम जो है, तनख्वाह सैलरी जो है मंथली, वो 150 से 170 गुना बढ़ती है। जो स्कूल टीचर थे, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम थी 1970 में, वो 280 से 320 गुना बढ़ती है। मैं सिर्फ बेसिक पे और जो उसका बेसिक इनकम है और डीए दोनों मिला के बात करूं, मैंने अभी अनाउंसेस भी करूं, किसान की इनकम 19 गुना बढ़ती है और एम्प्लॉइज की 120 से लेकर 320 गुना बढ़ती है। और अगर हम अनाउंसेस जोड़ लें, 108 अनाउंस मिलते हैं एम्प्लॉइज को, 108 अनाउंस में यूपी में जो आपकी कॉन्स्टेबलरी है, पुलिस वाले जो है उनको तो मुंछो रखने के लिए अनाउंस मिलता है। आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जो अफसर लोग हैं, जजेस नहीं, जो अफसर लोग हैं, उनको 21,000 रुपए साल का एक अनाउंस मिलता है, वॉशिंग अनाउंस 21,000 रुपए। डिफेंस के ऑफिसर्स को मिलता है 20,000 रुपए। तो पत्राचार आजकल हो रहा है कि हम तो बॉर्डर पे रहते हैं, हमारा 20,000 क्यों, उनका 21,000 क्यों। अरे आप तो एक अनाउंस की बात हो रही है, वॉशिंग अनाउंस की, यहाँ तो किसान की पूरे के आधे देश के इनकम ही 20,000 रुपए है। हमने कभी सवाल ही नहीं किया कि किसान की इनकम 20,000 रुपए है। मेरा ये मानना है कि जिस रेशियो में अगर बाकी सोसाइटी का इनकम बढ़ी है, अगर उसी रेशियो में किसान की इनकम भी बढ़े, तो मैंने कहा था आपसे कि 120 से 320 गुना जो है इनकम बढ़ती है बाकी सेक्शनरी सोसाइटी की, अगर आप इसको इनकम पैरिटी नॉर्म्स को देखते हैं, तो किसान की इनकम अगर 100 गुना भी बढ़ती जो उसकी बढ़नी चाहिए थी, तो गेहूं का दाम 2015 में 7,600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। यह उसका हक है जिससे उसको वंचित रखा गया, उसको मिला 1400। किसान घाटे की खेती क्यों करता है? क्योंकि आपने जो उसका हक मांगता है वो दिया ही नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि खेती में जो कुछ रखा ही नहीं है, खेती में कहां से रखा जाएगा? धान में आपका तो एरिया जो है वो धान का एरिया है। अगर आप देखें 51 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था 1970 में, मेरा मानना है कि 2015 में 5,100 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए था आपको, लेकिन आपको मिलता है अब जाके 1800 रुपए के आसपास दाम हुआ है 2020। कहने का मतलब है कि सारा इस तरीके से सोचा गया है, इस तरीके से पूरा पैटर्न बनाया गया है, और फिर ये कहा जाता है कि सर किसान को खेती करने नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, किसान खेती कर रहा है, मजबूरी ही होगी कि वो जानते हुए भी कि किस क्राइसिस के माध्यम से वो निकल रहा है, और फिर भी वो उस खेती को छोड़ नहीं रहा। कम से कम देश को ये कहा जाता है कि हम वेल्थ क्रिएटर की बहुत प्रशंसा करते हैं। आजकल एक शब्द चला है कि वेल्थ क्रिएशन, जो लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। मुझे ये बताइए, क्या फूड पैदा करना, अनाज पैदा करना, इससे बड़ी कोई वेल्थ जनरेशन है? क्यों हमारा देश जो असली वेल्थ जनरेशन क्रिएट करता है, जो फूड प्रोड्यूस करता है, उसके लिए कहीं भी हमारे लिए एक अच्छा भी शब्द नहीं होता है, और हम कहते हैं कि सिर्फ जो लोग करोड़पति हैं, करोड़पति हैं उसके ऊपर जो भी स्टिंकिंग रिच है वो भी जो है देश के लिए यूज करते हैं, ये क्यों हमारी बात है? ये यही तो समाप्त नहीं होता। और ऐसा बना दिया गया है कि भाई जैसा कि जीडीपी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा देश। कहते हैं कि एग्रीकल्चर का योगदान तो 15% रह गया है जीडीपी में, और बाकी एक बहुत लंबा प्रोफाइल है, इस लंबे प्रोफाइल पर चर्चा करते करते मुझे लगता है आप अगर देखें तो कम से के नाम से जाना जा रहा है, और बहुत सारी कंपनियां इसकी मार्केट में बिकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे महानुभूति को सम्मान करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। आपसे अरविंद ने शामिल होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, उसमें विशेष योगदान दिया,
और बहुत खुलकर बहुत ही गंभीर ढंग से सारी जगहों में जाकर जो जनरल का एक पॉजिटिव अप्रोच होता है देश में होता है उसके पत्र बात करती हम सब को आराधनी देनी चाहिए बिल्कुल अपने जीवन को होम कर रखा है इनकी एक जो पहचान हो वो लगभग 52,000 पवित्रता शाही जी को सम्मानित करने के लिए सबसे इरशाद हुसैन साहब को वही मंच पे आना है करके हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल के संबंध में खिलाड़ियों के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपनी सहभागिता दिया करते थे प्रोत्साहन देते थे ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल शाही को देख कर हम लोग भी बहुत खुश होते हैं तालियां एक बार फिर से बजनी चाहिए एक मेयर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है इसी शहर को पूर्व मेयर द्वारा ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसी क्रांति के बारे में सोचा है जो क्रांति अगर आए और खासतौर से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं आपने अपने शिक्षा दीक्षा की शुरुआत की उसको कई एजुकेशन यूजीसी द्वारा नाइट द्वारा मिला है और जिस तरह का आपका योगदान है उसको देखकर लगता है कि हमारे सभी विश्वविद्यालयों में इसी तरह की कार्यप्रणाली बने जिससे कि शिक्षा का उन्नयन हो और लोगों को बेहतर से बेहतर अवसर मिल सके तालियां जोरदार मुख्य एजुकेशन सर पीछे से दिखाई पड़ती है जिसमें कि हम लोग आते हैं जिसको यहाँ पर नॉर्मली लोग NRI कहते हैं प्रवासी भारतीय कहते हैं हम ये मानते हैं कि हमारे देश की ही नहीं सारी दुनिया की परंपरा है हमारे देश में खास करके ये परंपरा है जिसे महात्मा गांधी जिनसे कि आदरणीय नागेंद्र नाथ जी ने जो बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी जब तक इस देश में थे कभी उन्होंने एक शब्द स्वतंत्रता का नहीं कहा जब वो विदेश गए तो सारी स्वतंत्रता उनको दिखाई पड़ी ये समझने की बात है क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उन्होंने उस व्यवस्था को समझा जिस व्यवस्था के बारे में
डॉक्टर शर्मा जी बात कर रहे थे कि इस व्यवस्था में हमारे यहाँ पे 7,000 रुपया किलो गेहूं होना चाहिए, अभी शायद 1400-1500 रुपया कुंटल, सॉरी कुंटल होना चाहिए, वो अभी 1400-1500 रुपया है। ये व्यवस्था सारी दुनिया की व्यवस्था है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ पे भी किसान इसी तरह से, जैसे वो कह भी चुके हैं, प्रभावित। इसमें किसी व्यक्तिगत या किसी पार्टी, किसी देश का कोई दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है।